हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एएमयू के एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म होता है उसके बारे में 2023 में जो भी स्टूडेंट्स फिल करना चाहते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लासेस की बात करें तो फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ और इलेवंथ। इलेवंथ में भी ह्यूमनिटी, साइंस एंड कॉमर्स हो गया, इसके अलावा डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो गए, और बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर हम बात करें तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, जितने भी कोर्स हैं उन सभी कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म कह लीजिए या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म कह लीजिए, एडमिशन फॉर्म कह लीजिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अब ऑब्वियसली जो एडमिशन का प्रोसेस है एट द एंड ऑलमोस्ट लास्ट हो रखा है, बस कुछ लिस्ट और आएंगे और उसके बाद इनके 2022 का जो एडमिशन प्रोसेस है एएमयू का कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर अब उसके बाद 2023 की तैयारी शुरू करी जाएगी, एंड जो भी स्टूडेंट 2023 में देना चाहते हैं उन लोगों को जानना ज़रूरी है कि उनके फॉर्म कब आते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा उसका। क्योंकि दिक्कत यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि उनके फॉर्म आ गए हैं और वो फिल भी नहीं कर पाते और टाइम भी चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अपडेटेड आना ज़रूरी होगा पहला। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं होगा। जैसे जैसे जो भी अपडेट्स आते जाएंगे आपको इन्फॉर्म टाइम टू टाइम किया जाएगा, क्या अभी अपडेट है, कब तक आ सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। उसके लिए देखिए, अगर आपको भाई देवे आपको खुद ही जानना है, जैसे एक तो ये कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें एक प्रोसीजर दिखाता हूँ कि हाँ भाई अगर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो आप खुद भी चेक करेंगे। आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर, यानी कि एएमयू का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर के नाम से है। आपको इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे जब इस पे क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये कि अब आप एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए और इसी वेबसाइट से आपको एएमयू का फॉर्म दिखेगा, चाहे वो स्कूल का फॉर्म हो या यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, स्कूल का, समझ रहे हैं, इन सभी के फॉर्म के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से ही पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको तीन तरीके का सेक्शन दिख रहा है, फीचर्ड का दिख रहा है, एडमिशंस का, एग्जामिनेशन का। इस वाले फीचर्ड वाला में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिलेबस है, यानी कि आप जिस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। सिलेबस में कोई चेंज नहीं आता है, तो यानी कि 2023 में जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वो अभी से सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रोस्पेक्टस मेंशन कर रखा है, ये रहा इनका प्रोस्पेक्टस। इसी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा, जैसे अभी तो देखा जाए तो 2022 इसका है, बट ये प्रोस्पेक्टस आपके लिए भी काम का है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में बदलता कुछ नहीं है, सिर्फ बदलता है तो एग्ज़ाम का डेट शीट, बाकी वही चीज़ें सब कुछ रहता है। तो यानी कि इसमें जो डेटा है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं यही कहना चाहूँगा जो भी 2023 में, चाहे वो स्कूल के लिए हो, यूनिवर्सिटी के लिए हो, इस प्रोस्पेक्टस को ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले आपको बता दें इन शॉर्ट में, अभी नहीं आपका फॉर्म आया है 2023 का और नहीं आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल आया है, लेकिन हमारे हिसाब से मैं आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि एएमयू का जो स्कूल का फॉर्म हो या यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो, मार्च और अप्रैल 2023 में आपके फॉर्म आएंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम उसके जस्ट वन मंथ बाद, यानी कि मई से जून के बीच में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो, दो बातें, फॉर्म जो है मार्च से अप्रैल 2023 और एंट्रेंस एग्ज़ाम मई जून 2023 में होकर रहेंगे, पूरी चांस से उसी टाइम में ही होगा। रहा सवाल एक CVT को लेकर, तो अभी कोई वैसा फाइनलाइज नहीं है, जैसे होगा इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन अभी आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं अगर आप एएमयू में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। इसके साथ ही मैं एट द एंड में बताना चाहूँगा, वैसे स्टूडेंट जो एएमयू के बीए और बीएलएलबी, इसके अलावा एएमयू का 11th साइंस एंड डिप्लोमा और आर्ट्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इन्फो के बिहार में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार भी काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए एएमयू में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेबसाइट के बारे में बता दिया, अगर आपके फॉर्म आए हुए रहेंगे, जिस सपोज अगर आए हो तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे अभी जो गाइड टू एडमिशन 2022-23 दिख रहा है ना, ये उस टाइम आपको 2023-24 दिखेगा, इसका मतलब आपका फॉर्म आ चुका है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपका फॉर्म आया ही नहीं है, और अगर आएगा तो आपको इस चैनल पर वैसे ही पता चल जाएगा। दूसरा, और बाकी डिटेल लेने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है तीन लाइन दिख रहा है, आपको इस लाइन पर क्लिक करना है। अब इस पर जैसे ही जब क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इतने सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, होम का सेक्शन, एडमिशन, एग्जामिनेशन, स्कूल, स्टूडेंट सर्विस, रोल लिस्ट, माय अकाउंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले सेक्शन में, एग्जामिनेशन के सेक्शन में जाएंगे या एडमिशन वाले सेक्शन में चले जाएंगे, एग्जामिनेशन ही एडमिशन। यहाँ पे देखिए स्कूल का डिटेल चाहिए तो इस लिंक से जाकर लेंगे, जनरल एडमिशन यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप करके। तो अभी हम जनरल एडमिशन पे क्लिक करते हैं, देखिए जनरल एडमिशन पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जो है अपडेट है, ये जो भी वाटिवर जो भी सिलेबस को लेकर या गाइडलाइन जो भी परफॉर्मा इनका होता है वो सारी चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये है फिलहाल का अपडेट, कुल मिलाकर ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे ही जो भी अपडेट्स आएगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर एट द एंड में जरूर कहूँगा, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड कर दीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए, आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।